मोबाइल फोन ने जैसे मामूली विवाद को लेकर एक नाबालिग ने 31 वर्षीय व्यक्ति को मौत की खाट उतारा। ये मामला है वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां नाबालिग ने प्लास्टिक कंपनी में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आशा लता खापरे ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी श्रृंखला में एक और हत्या की वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रेणुका नगर में एक प्लास्टिक कंपनी में मृतक रिंकू उर्फ सलीराम आरोपी नाबालिग का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस दरमियान उससे वो गिरकर फूट गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी चीज को लेकर तैश में आकर आरोपी ने रिंकू के सर पर लकड़ी के डंडे से वार कर उसे जख्मी कर दिया। हालांकि रात को वो मसला वही हल हो चुका था और रिंकू की मलम पट्टी भी उसी दरमियान हो गई थी, लेकिन गुरुवार की सुबह जब रिंकू को उठाने का प्रयास किया तो वो मृत अवस्था में दिखाई दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आशालता खापरे ने अधिक जानकारी साझा की। रेणुका माता मंदिर नवीन ट्रैक बिड़गाव वाटोड़ा पुलिस स्टेशन च्या अंतर्गत इथे इसम नामे रिंकू उर्फ सलीराम व 31 वर्ष हा मयत झालेला आहे। एक विधी संघर्ष बालक आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या प्लास्टिकच्या कारखान्यामध्ये रात्री मोबाईल वापरण्यावरनं भांडण झालं। जे विधी संघर्ष बालक आहे त्याचा मोबाईल या मयत इसमाने घेतला फोन करण्यासाठी आणि फोडला, याच्यावरनं त्यांच्यात वाद झाला आणि त्यातून एका लाकडी दांडकाने काठीने विधी संघर्ष बालकाला या इसमाला रिंकूला डोक्यावर मारहाण केली। त्यानंतर त्याला मलमपट्टी म्हणजे हळद वगैरे लावून पाणी वगैरे पाजलं आणि तो झोपला होता। सकाळी 5 वाजता जेव्हा बघितलं तेव्हा तो मृत अवस्थेत होता। त्या अनुषंगाने 5:30 वाजता वाटोडा पोलीस स्टेशनला ही खबर मिळाली। तत्काळ तिथे जाऊन आम्ही सदरची कारवाई केली असता सदर इसम हा मयत झाल्याचे आमच्या लक्षात आले। त्या अनुषंगाने माहिती वरिष्ठांना कंट्रोलला देण्यात आली आणि पुढील कारवाई करण्यात आली। हे ज्या त्या ठिकाणी काम करणारे सगळे उत्तर प्रदेशमध्ये राहणारे आहेत, सिद्धनगर बेलटोला उत्तर प्रदेश इथे राहणारे आहेत, एकाच गावाच्या परिसरातले आहेत, जवळजवळच्या गावातले, आणि ते प्लास्टिक वितळवण्याची कंपनी आहे। प्लास्टिक वितळून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून ते इतर ठिकाणी पाठवण्याची कंपनी आहे। एकनाथ धकाते यांची ही कंपनी आहे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरामैन रोशन के साथ VKB न्यूज के लिए दिशा। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।